आज वोटिंग का जो है पहला मरहला है, मैं आपको बता दूं कि सब लोग अपने घरों से निकलकर जो है वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, उधमपुर की खासतौर पर, जहां पे दोपहर 1 बजे तक जो है 43.11% जो है वो वोट डाले गए हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हैं उधमपुर से। बताइए आसिफ, किस तरीके से वहां पे जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है और किस तरीके से वहां पे इस वक्त वोट जो है वो कास्ट किया जा रहा है? जी बरहान जी, हम आपको बताएं कि हमारे जितने व्यूवर्स भी हैं उनको हम बताते हैं कि आज जो है 19 अप्रैल है और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। और आज जैसे हम आपको बताएं, लोकसभा के इलेक्शन जो वो आज थे, अपना बात करें हम उधमपुर कंस्टिट्यूंसी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, और अभी हम बात करें हम उधमपुर से हैं और हम अपने व्यूवर्स को जो है वो सुबह से लगातार अपडेट दे रहे हैं। और सुबह से यहाँ पर जो आपको बताएं, उधमपुर में मौसम काफ़ी ख़राब था, उसकी वजह से जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सके। लेकिन अभी की बात करें, मौसम थोड़ा ठीक होने के बाद इस वक्त हम पंचायत रैम्बल की बात करें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, और ये हम लाइव विजुअल जो अपने व्यूवर्स को बता रहे हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हो जो लाइन में जो जितने भी वोटर्स हैं वो लाइन में खड़े हैं, क्योंकि सुबह मौसम खराब होने की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। और अभी जो है वो मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो जितने भी लोग हैं वो अपना कीमती वोट देने के लिए जो है वो अपने घर से बाहर निकल गए हैं, अपने पास के जो है वो बूथ पर जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, या हम लाइव विजुअल हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हम बात करें पंचायत रैम्बल उधमपुर की। उधमपुर में इस वक्त मौजूद है, वहां पे किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है ये भी हमारे व्यूअर्स तक आप दिखाएं। ये हम आप जो है पीछे देख सकते हो, सभी लाइन में जो है हमारी मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हो, सभी लाइन में खड़े हैं और अपना जो वोटर कार्ड है वो लेके ये लाइन में देख सकते हो आप। जिस तरीके से उधमपुर की हलके की बात करें, 2024 के लोकसभा इंतखाबात का पहला मरहला और जम्मू की वही जुमा के दिन जो है आज पोलिंग के दौरान दोपहर 1 बजे से 43% से ज्यादा वोट जो है वो उधमपुर में डाले गए, ये आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और संवाददाता हमारे जो है वो लगे हुए, चाहे किसी भी स्कूल में जो है इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं या पंचायतों में जो है वोट कास्ट किए जा रहे हैं, हमारी नजर जो है वो वहां पे रखी हुई है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1 बजे तक जो 43.11% जो वोटिंग पोलिंग स्टेशन पे जो है इस वक्त डाली गई है, सभी यहाँ उधमपुर के जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहां पे इस वक्त लोगों की जो है वो भीड़ लगी हुई है। मौसमी सूर्यताल जो है वो काफी खराब थी, लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि मौसमी सूर्यताल के तब्दील के बाद बताएं कि इस वक्त जो है बच्चों में भी उत्साह है। छोटा सा बच्चा आप सामने देख सकते हो हमारे मोबाइल स्क्रीन पे, और वो भी जो है वो अपने जो अपने मदर के साथ ही यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे जो है वो पहुंचे हैं। और हम बात करेंगे, बात करवाएंगे। वोट दे दिया आपने? जी। और ये हमारे साथ जो है वोट दे के अंदर से आए हैं, कैसा रहा वो? क्या बोलना चाहोगे हमारे व्यूवर जितने भी आपको देख रहे हैं? वोट कास्ट क्या करना कितना जरूरी है ये भी आप तक लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि बाकी मरहले अभी बाकी है। कितना जरूरी है वोट देना? और जो वोट दे के अंदर से आए उनसे भी हमने आपकी बात कराई। ये सामने देखो छोटा बच्चा है, ये भी यहाँ पे पोलिंग बूथ पे जो यहाँ पे पहुंचा है, और कितना उत्साह है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बोला आपकी बार मोदी सरकार बोले सही बात है, लोगों के अंदर जोश खरोश जो है वो नजर आ रहा है। इस वक्त हम बात करें, क्योंकि बारिश जो है वो फिर लगने वाली है, मौसम फिर खराब होने वाला, और लोग जो है वो जल्दी से, क्योंकि बारिश ने थोड़ा मौका दिया है उनको, और घर से बाहर निकले हैं। और यहाँ पर देख लो आप, हम आपको बता रहे हैं सामने लाइन में लगे हुए और अपना वोट जो है वो दे के जो है वो आ रहे हैं, अपना वोट जो है वो कास्ट करवा रहे हैं। चलिए मुल्क भर में की बात करें, अगर हम मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में 21 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 102 से सीटों पर जो है वोटिंग इस वक्त जो है वो जारी हो सारी है। और जिस तरीके से हमने कहा कि उधमपुर में जो है लोगों के अंदर बड़ा जोश खरोश नजर आया है,
क्योंकि जिस तरीके से मौसमी सूर्यकाल की वजह से लोग अगर से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन इतनी जोश खरोश के साथ भी मौसम के खराब होने के बाद भी लोग जो है अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। जिस क्या क्या अगर हम यहाँ से बात करेंगे यहाँ की वहां के कैंडिडेट के बारे में जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, जिसमें के बीजेपी की बात करेंगे तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी माने जाते हैं, लेकिन वही कांग्रेस की बात करें तो लाल सिंह भी जो वहां पे है, तो क्या लगता है कि लोग किस हित में इस वक्त जो है। बुरहान जी बात करें, हम आपको बताएं कि ये टक्कर जो है एक भारी टक्कर होने वाली है इस वक्त, हम आपको बताएं, क्योंकि एक तरफ आप देखो तो चौधरी लाल सिंह है और दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। तो अब देखना ये है कि लोगों ने अपना जो है फेवरेट जो अपना अच्छा एक कैंडिडेट किसको चुनते हैं, क्योंकि लोगों में काफ़ी आक्रोश है हम आपको बताएं कि काम काज को लेकर, और देखते हैं इसमें ये देखना होगा, क्योंकि लोग तो काफ़ी जिस तरह 43% जो हम आपको बोले 43% जो वोट हैं वो 1 बजे तक जो है लोगों ने जो है मौसम ख़राब होने की वजह से भी पहुंच रहे हैं लोग जो है, देखना है मतलब अगर हम कहेंगे कि 1 बजे तक जो है वो 45 से ज्यादा जो है वो वोटिंग वहां पे हुई है, वो कास्ट किए गए, लेकिन अभी जो है वक्त बाकी है, देखते हैं कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से वोट अभी तक जो है 43.1% जो वोट डाले गए, ये 1 बजे तक जो हमारे पास रिपोर्ट थी, लेकिन लगता है कि वक्त भी बाकी है, लेकिन लगता है कि और ज्यादा वोटिंग होगी, जितना वक्त तक तो है मुकर्रर किया गया उससे ज्यादा जो है 43 से ज्यादा जो है वोट यहाँ पे रिपोर्ट में आए हमारे पास आएगी। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लोग के है जो है अभी आना बाकी है, मौसम की सूरत हाल में थोड़ी सी तब्दीली भी आ चुकी है। बुरहान जी हम बात करें मौसम को लेकर, और मौसम जो है वो फिर से अपनी करवट जो है वो बदल रहा है, बारिश जो है वो फिर से शुरू होने वाली है, और फिर भी लोगों में जो है वो काफ़ी उत्साह है, बच्चों में, बुजुर्ग में, और जितने भी हमारी माएँ बहनें हैं, बुजुर्ग हैं या सीनियर सिटीजन कोई भी हैं, तो सारे जो है वो अपना वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर जो वो पहुँच रहे हैं। लेकिन मौसम को लेकर बात करें और मौसम जो है फिर अपनी करवट जो है वो बदलने वाला है, और लोग जो हैं वो हट नहीं रहे हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है और वो पोलिंग बूथ पर जो है अपना पहुँच रहे हैं अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए। चलिए आज वोटिंग का पहला मरहला, और 102 की बात करें कि सीटों पर जो इस वक्त वोटिंग जो है वो जारी इशारी है, और उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में हमारे जो संवाददाता यासीन जुड़े हैं, आप जो है नजर बनाए रखें किस तरीके से जो है वहां पे शाम तक जो है कितने फीसद जो है वोट डाले जाएंगे, और वही हम कैंडिडेट की बात करें उम्मीदवारों की बात करें, कहा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो है सीनियर कदावर नेता छोटे लाल सिंह खड़े हैं, और डीएम सरोरी की भी बात करेंगे, वहां पे भी फिलहाल जो है इन दो कैंडिडेटों में जो है कांटे का मुकाबला होने वाला है, और हमने यहाँ की वहां के लोगों से भी बात की कि किस तरीके से बीजेपी के हित में जो है नारे हुए, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि ऐसे लोग जो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का वहां पे कैंडिडेट जो है वो जीते, लेकिन वो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये दोनों एक सीनियर लीडर माने जाते हैं और कांटे का मुकाबला जो है वो एक बड़े पैमाने पे हो सकता है। यासिर साहब अब नजर बनाए रखें। जी बुरहान जी, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं हम उनको बोलेंगे कि सुबह से हम अपडेट आपको जो है वो लगातार दे रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जैसा भी जो भी रहता है तो हम आपके साथ जरूर जो है वो शेयर करेंगे। ओके।